Beautiful, beautiful. चलो गाड़ी कन चलो मम्मी थे चलाऊं नी और साथ में थोड़ी सी रोक लियो गाड़ी ठीक है सो मैं आ जाए प्यारे आए हैं शरण तुम्हारे हमारी जिलाज रखना छोड़े हैं सभी सहारे लगते हो तुम प्यारे आया सतगुरु आया नी सोना कृपाल रंगीला मेरे ओ दिल दा जानी माही मेरा गया दिल आया फेरा पाया नी
जब बताया नी दुखियां दा बने वसीला मेरे ओ दिल दा जानी माही मेरा गया आया सतगुरु आया सबकी पीड़ा
मैं फूंद तुम्हारी, ईशत गुरु मैं शरण तुम्हारी, तुम सागर मैं बूंद तुम्हारी, तुम ही माता पिता और भ्राता, मैं हूँ याचक तुम हो दाता, तुम ही माता पिता और भ्राता, मैं हूँ याचक तुम हो दाता, अजायब यही जन्मों की गाथा, यही जन्म जन्म की कहानी, हे कृपाल गुरु। सरोवर में वाल्मीकि रामायण में पहले लिख के रखा था, राम पैदा होने के 10,000 वर्ष पहले क्या क्या होना है, राम अवतार आएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, सब लिखा था। वो पढ़ के ऋषि मुनि जाके पंपापति में अपनी झोपड़ी बना के तपस्या में बैठे कि राम आएंगे तो दर्शन मिलेगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि पंपापति सरोवर पे राम आएंगे और वहाँ ऋषियों मुनियों को दर्शन देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग जाके वहाँ पे उस आशा से झोपड़ी बना के तपस्या कर रहे थे। तो उसमें एक नीच जात के भिलनी शिवरी, उसकी उम्र हो चुकी थी, तो उसने सोचा अगर मैं भी रहूंगी तो मुझे भी राम का दर्शन होगा। लेकिन ये सब बड़े जात वाले हैं, ऋषि मुनि लोग ब्राह्मण क्षत्रिय बड़े जात, अब इनके बीच में रहना मुश्किल है। तो दूर एक छोटी सी झोपड़ी बना के, और वो भी वहाँ पे रहती थी। तो अब ये कहानी कहने का मतलब कि राम शिवरी के घर क्यों गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनसे ज्यादा तपस्या में बहुत दिन से बैठे थे, उनके घर क्यों नहीं गए? तो क्यों, शिवरी में सच्ची भक्ति और लगन और प्रेम और प्यार था। तो कहते हैं शिवरी सोचते थे भाई जहाँ प्रेम होगा वहां सेवा भी होगी। तो शिवरी सोचती थी कि मैं यहाँ ऐसे ही पड़ा रहना अच्छा नहीं, खाली राम नाम का जाप करके, कुछ ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हैं, कुछ इनकी सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन मैं दिन में जाऊंगी तो सामने पड़ूंगी तो श्राप दे देंगे, मैं नीच जात की हूँ। तो बेचारी जब ये सब सो जाते थे तो रात के उठ के जाती थी और इन ऋषियों के दरवाजे पे झाड़ू लगाती थी, ये लोग पंपापति सरोवर स्नान करने जाने का रास्ता साफ करते थे, और ये लोग उठने के 3 बजे उठने के पहले ही वो चले जाते थे। तो लोग बड़े आश्चर्य पड़ते थे, कौन है सब साफ सफाई करके जाता है सबके दरवाजे पे, कोई किसी को मिलती नहीं थी। तो इसमें एक मातंग ऋषि थे, काफी दिन चला ऐसा, तो ऋषियों में एक मातंग ऋषि थे, उनकी भी काफी उम्र हो गई थी। तो उनको ख्याल आया कौन है, उसको देखना चाहिए। तो उन्होंने अपने दो शिष्यों को ड्यूटी लगाई और बोला कि जो भी है वो झाड़ू लगाता है ना, उसको पकड़ के लेके आओ। तो दो ऋषि जो भेजा था मातंग ऋषि ने, वो पेड़ के नीचे छाया में छुप के बैठे थे। अब शिवरी 12 बजे आई, वो बेचारी दूर देखा तो कोई नजर नहीं आया, तो सोचा अभी कोई है नहीं, अपना काम जो रोज करते थे करने लगी, झाड़ू लगाने लगे। तो एक 10 मिनट के बाद में ऋषि जो छिपे हुए थे वो सामने आ गए। अब शिवरी कांपने लगे, ये बड़े जात वाले सामने आ गए तो कहीं श्राप नहीं दे रहे? तो कहते नहीं बहन, हमारे गुरुदेव ने बुलाया है तो आ। और शिवरी की काफी उम्र हो गई थी, तो वहां से बुला के मातंग ऋषि के पास लेके गए। और शिवरी जाके मालूम नहीं क्या दंड देंगे, वो तो घबरा रही थी। अब शिवरी जाके मातंग ऋषि बड़े अच्छे महात्मा थे, उनके चरणों में गिर पड़े। तो मातंग ऋषि देखे कहते शिवरी कांप रही है। तो मातंग ऋषि कहते बेटी मैं तुझे श्राप देने के लिए नहीं बुलाया,
मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। तब तो उसको थोड़ा हिम्मत हुआ, तो उठ के बैठी। महाराज गलती हो गई, कहते नहीं बेटी, जब सब सोते हैं तो रात भर ड्यूटी करती है, सेवा करती है, तेरे सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। तो सेवरी को बड़ा लालस आया, तो उनको बुला के बिठा के उपदेश देते हैं मातंग ऋषि। मातंग ऋषि उपदेश देते हैं, क्योंकि उसको गुरु नहीं था, और उपदेश देने के बाद में आशीर्वाद देते हैं कि बेटी राम आएंगे तो पहले तेरी कुटिया में आएंगे, क्योंकि उसका प्रेम और प्यार और सेवा होना था। तो बाद में ऐसा करके तो वही समय आ गया, जब राम आए तो ऋषि मुनि सब अपने अपने अहंकार के नशे में थे कि मैं 20,000 साल से तपस्या में बैठा हूँ, मैं इतना हजार 2,000 4,000 ऐसे बैठा हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तो सबको अपने अपने किए कराए का अहंकार था कि राम आएंगे तो हमारी कुटिया में, हमारी कुटिया में अहंकार था। तो सब दरवाजे पे खड़े थे राम जाने के समय, तो राम ने किसी तरफ नहीं देखा, अब सीधा शिवरी के झोपड़ी में चले गए। तब ऋषियों मुनियों को थोड़ा सा अभाव आ गया कि हम लोग इतने बड़े बड़े लोग बैठे खड़े हैं और इतने साल से तपस्या करने वाले हमारे घर में नहीं आई, एक नीच जात बिलनी के घर में गए, ये तो अवतार नहीं है, अभाव आ गया। और फिर सोचते हैं कि चलो वहां से वैसे चले गए, हम लोग इतना बरस से यहाँ पड़े हुए हैं, अगर राम ही हुए तो चलो परीक्षा लेंगे, अगर वो राम अवतार हैं तो उनके चरण दो के पानी मांग लेंगे, और पंपापति सरोवर का पानी स्नान करने कपड़ा धोने काम में आता है, पीने काम में नहीं आता है, कीड़े बहुत है। अगर वो पारब्रह्म के अवतार ही होंगे, उनके चरण दो के पानी डाल देंगे, वो निर्मल हो जाएगा और पीने के काम में आएगा। तो बाद में उन्होंने पूछते हैं कि महाराज आप पारब्रह्म के अवतार हैं, आप अपने चरण धोके धोने दो पानी, हम ले जाके पंपापति सरोवर में डालेंगे, वो स्नान करने काम में आता है, पीने काम में नहीं आता है, वो निर्मल हो जाएगा, पीने काम में आएगा। तो राम उनके मन की हालत देख के वहां गए थे, तो राम कहते भाई आप 10,000 से, आप 6,000 से, आप 1,000 बरस से तब ऐसे हम बैठे हैं, आपसे बड़ा कौन है, आप अपने चरण धोके डाल दो, निर्मल हो जाए। तो ये लोग सोचते हो सकता है, तो जाके सब अपने अपने पैर धोके डाल रहे हैं। अब जैसे जैसे इनके चरण के पानी अंदर पड़े तो कीड़े और गंदे हो गए। तब वहां से भाग के आए, कहते महाराज वो साफ होने की बजाय गंदा हो गया। तो राम हंसे, कहते हैं कि अगर ये शिवरी अपने चरण धो के पानी डाल के आए तो निर्मल हो सकते। अब शिवरी कांपने लगी, महाराज मैं नीच, मैं तो हाथ भी लगा दूं तो इनके उपयोग में आने वाला नहीं, मैं अपने चरण का पानी डाला तो वो कैसे पिएंगे। तो राम कहते नहीं माता तू जा। अब राम का वाक्य हटा भी नहीं सके, गई डर के मारे आधा आधा धो के जो भी पानी था वो फेंक दिया अंदर राम का हो, अब फेंक दिया तो सारा तालाब का पानी निर्मल और पवित्र हो गया। तब ये ऋषि मुनि रोए, ओहो हमारे अंदर अहंकार होने से राम हमारे घर में है, शिवरी के घर गए। तो बाद में देखो शिवरी का प्रेम, 3 दिन राम थे, और राम कहते हैं कि माता, और वो जूठे बेर खिला रहे, राम बड़े प्रेम से खा रहे, बड़ी लंबी कहानी है। तो बाद में 3 दिन रहे, अब 3 दिन के बाद कहते हैं कि माता मैं इधर ही बैठूंगा तो हमारा काम कैसे होगा, मैं कुछ काम से निकला हुआ हूं तो आशीर्वाद दे, हमें छोड़ दे। तब तो सेवरी के आंख से पानी गिरने लगे,
राम को तो विदा किया क्योंकि जाना था, लेकिन राम जैसे उस झोपड़े से बाहर कदम रखे शिवरी गिर गई और प्राण त्याग दिए। सच्चा प्रेम था। देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण करम होए प्रभु मेरा दर्शन दे। Yeah.